आप बताइए, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस आपने दी है, तो आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और दो बड़े स्टार आपके जब गाना आने से पहले ही मुझे ना प्लीज कर दे रहे हो, बहुत सारे मैसेज तो सबने नोटिस किए, मैं भी किए कि चलो एक गाना करते हैं। जैसे एक गाना हुआ उसके बाद लास्ट में एक सरप्राइज मिला है कि देवा मर जाती है, तो मुझे पूछे पहले तो बहुत सारे ऐसे आए कि भाई कब गाना आ रहा है, कब गाना आ रहा है, अब मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि ये क्या करती है, ये क्या करनी है, मतलब ये क्या करती है, मुझे मार दिया देवा को। कहीं ना कहीं जो आपके फैंस को काफी नाखुश हुए जो गाने में डेथ हुई है, देवा आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब डेथ काफी मतलब नाखुश जैसे सर कह रहे हैं। नहीं, नाखुश वाली कोई बात नहीं है उसमें, आपस मैसेज क्या है कि गाना बहुत अच्छा लगा है, सब कुछ अच्छा है, पर एंडिंग में थोड़ा देवा को हरा भी चाहिए था। कहानी उस लड़के ने वही स्टॉप करने की कोशिश नहीं की, वो चाहता तो वो चाहता था, बट ही कंटिन्यूड हर वर्ड समहाउ, दैट्स अ ब्यूटीफुल एंडिंग दैट ही हैज गिवन इट, यू नो। तो इसमें होपफुल चीज ये है कि लाइफ डजंट स्टॉप, यू नो, आप अगर आप नोटिस करेंगे कि वो अभी भी यू नो स्टिल देयर विद हर लवर, He looks at her, जब वो देखता है उसको खुशी होती है, वो देखता है कि उसने अचीव कर लिया है, उसका ड्रीम उसको देखता है, तो लाइक दैट शी इज लाइक देयर, और उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, दैट लव इज एंडलेस, इट्स अनकंडीशनल, इट्स एंडलेस। ये मैसेज अगर लोग समझ पाएंगे तो दे वोंट फील दैट, बार बार इसको मानना चाहिए।